कर दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बीटीसी यानी डीएलएड 2018 की काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, यूपी बीटीसी यानी डीएलएड की काउंसलिंग की डेट आ चुकी है, तो मैं आपको इस वीडियो में वही सब कुछ चीज समझाने वाला हूँ। दोस्तों, काउंसलिंग कराने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है sarkarijobfind.com वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको जाना है। या तो आप गूगल में सर्च करेंगे सरकारी जॉब, जैसे सरकारी जॉब सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे दिखेगी। यहाँ देखिए sarkarijobfind.com, तो इस तरह जो है इस वेबसाइट पे जाना है। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म के सेक्शन में आपको मिल जाएगा यूपी डीएलएड बीटीसी 2018 ऑनलाइन काउंसलिंग। इस पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी। दोस्तों, यहाँ पे दिया है फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग क्लिक हियर, तो यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पे काउंसलिंग होगी। कैसे होगी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, काउंसलिंग के शेड्यूल के लिए यहाँ पे डाउनलोड काउंसलिंग शेड्यूल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपका काउंसलिंग शेड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए काउंसलिंग शेड्यूल में क्या है, ये देखिए ऑफिशियल जो है यूपी डीएलएड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल न्यूज आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2018 ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा मेरिट रैंकिंग के सापेक्ष आवंटित संस्थान में अभिलेखी जाँच प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज फर्स्ट की काउंसलिंग अभी यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिज फर्स्ट की काउंसलिंग में क्या क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे संस्थान का विकल्प भरने की तिथि जो है 14 जून 2018 से 18 जून 2018 तक है। आज ही 14 जून है, तो अपराह्न, मतलब कि अपराह्न से है, तो 14 जून 2018 से 18 जून 2018 तक जो है संस्थान का विकल्प भरना है। और किसको जो है, जिनकी रैंक 1,40,000 रैंक, सॉरी, जिनकी रैंक 1 से 40,000 रैंक तक है, मतलब कि यदि आपकी रैंक 1 से 40,000 तक है तो आप जो है अपना वो भर सकते हैं। तो आपको रैंक कहाँ से देखेंगे, तो रैंक वहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यही मिल जाएगी यूपी डीएलएड की। तो यहाँ पे आप अपना रैंक देख सकते हैं, चीजें आपको दिख जाएंगी। तो रैंक आपको यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, वहां से आप रैंक देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है 1 से 40,000 रैंक आपकी है, तो आपको जो है 14 जून से 18 जून तक अपना कॉलेज भरना होगा, कॉलेज लॉक करना होगा। मतलब कि आपको अपना जो है अपना कॉलेज भरना होगा कि हाँ जो है आपकी इतनी जो है वो है रैंक। उसके बाद संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि जो है 19 जून 2018 को जो है आपका मिल जाएगा, आपका कॉलेज जो है जो आपने भरा होगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप ज्यादा ज्यादा कॉलेज भरिएगा, नहीं तो मिलता नहीं है। दूसरा जो है 19 जून 2018 से 22 जून 2018 तक जो है 40,000 रैंक से, 40,000 एक रैंक से 1,20,000 तक के जो है स्टूडेंट्स भरेंगे। यहाँ पे क्रम संख्या एक में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम संख्या एक में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो। तो यदि आपने इसमें भरा है, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तब भी आप इसे भर सकते हैं। उसके बाद इसका 23 जून को रिजल्ट आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जो है 24 जून से 28 जून से 1,20,000 से 2,50,000 तक के स्टूडेंट्स भरेंगे, जिनमें एक और दो वाले स्टूडेंट्स वो भी भरेंगे, जिनको कॉलेज नहीं मिला है तो वो भी भर सकते हैं। इसका 29 जून को रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो 29 जून से 4 जुलाई के बीच, यहाँ पे 29 जून 2018 से 4 जुलाई 2018 शाम 5 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि। तो जो है 20 जून से जो है 4 जुलाई तक आपको जो है कॉलेज में जाकर अपना सारे डॉक्यूमेंट दिखाकर वहाँ पे एडमिशन करा लेना है, जो भी उनकी फीस वगैरह है सारी चीजें लेकर। यहाँ पे आगे लिखा है प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि जो है, ऐसे संस्थान जिनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किया जाएगा, उन्हें काउंसलिंग के अगले चरण में रिक्त सीटों के सापेक्ष आवंटित किए जाएंगे। तो ये जो है अगला चरण का है। तो प्रशिक्षण जो है 5 जुलाई से प्रारंभ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको ऐसी ऐसी करनी है। दोस्तों, यहाँ पे अपने अभ्यर्थी अपनी मेरिट जो है यूपी डीएलएड डॉट इन्फो पर जो है अवलोकित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे जो है आपको रैंक मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके जो है यहाँ पे वेबसाइट पे भी जा सकर अपना कॉलेज वगैरह यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो ये रही काउंसलिंग की सारी डिटेल्स। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।